साल 1952 में आशा पारेख की पहली मूवी माँ आए दोस्तों। इस मूवी में भारत भूषण, श्याम, नजीर हुसैन, लीला चिटनीस थे और इस मूवी में आशा पारेख ने एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था दोस्तों। साल 1952 में आशा पारेख की कौन भी आसमान आए दोस्तों इस मूवी में श्यामा, नासिर खान, वीना बद्री प्रसाद, आशा पारेख थे और यह मूवी में भी आशा पारेख ने एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। साल 1954 में आशा पारेख की कौन भी धोबी डॉक्टर आए दोस्तों इस मूवी में किशोर कुमार, उषा किरण थे और यह मूवी में भी आशा पारेख ने एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। साल 1954 में आशा पारेख की एक और मूवी श्री चैतन्य आया दोस्तों। इस मूवी में भारत भूषण, दुर्गा खोटे, अमिताभ, मदन पुरी थे और यह मूवी में भी आशा पारेख ने एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। साल 1954 में आशा पारेख की एक और मूवी बाप बेटे आया दोस्तों। इस मूवी में नलिनी जयवंत, आशा पारेख थे और इस मूवी में आशा पारेख ने एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। साल 1956 में आशा पारेख की एक मूवी अयोध्या पति आया दोस्तों। इस मूवी में आशा पारेख, मनोरमा, अचला सचदेव, उषा किरण और इस मूवी में भी आशा पारेख ने एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। साल 1957 में आशा पारेख की एक और मूवी उस्ताद आया दोस्तों। इस मूवी में भगवान, अंजलि देवी, अशोक कुमार, कुमकुम, आशा पारेख, रहमान, के एन सिंह थे और यह मूवी में भी आशा पारेख ने एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। कुल मिलाकर आशा पारेख शुरुआती दौर से 7 फिल्में में एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट काम किए थे। इसके बाद साल 1959 में आशा पारेख की एक मूवी आई दिल देके देखो। इस मूवी में शमी कपूर, आशा पारेख थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रहा दोस्तों। साल 1960 में आशा पारेख की एक और मूवी हम हिंदुस्तानी आया दोस्तों। इस मूवी में सुनील दत्त, आशा पारेख, हेलेन थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रहा दोस्तों। साल 1960 में आशा पारेख की एक और मूवी घूंघट आया दोस्तों। इस मूवी में भारत भूषण, प्रदीप कुमार, बीना राय, आशा पारेख थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रहा। साल 1960 में आशा पारेख की एक और मूवी जब प्यार किसी से होता है आया दोस्तों। इस मूवी में देव आनंद, आशा पारेख, प्राण थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रहा। साल 1961 में आशा पारेख की एक और मूवी घराना आया दोस्तों। इस मूवी में राजकुमार, राजेंद्र कुमार, आशा पारेख थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रहा। साल 1961 में आशा पारेख की एक और मूवी छाया है दोस्तों। इस मूवी में सुनील दत्त, आशा पारेख, निरूपा रॉय थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रहा। साल 1962 में आशा पारेख की एक मूवी अपना बना के देखो आए दोस्तों। इस मूवी में मनोज कुमार, आशा पारेख, सुंदर थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहा। साल 1963 में आशा पारेख की एक मूवी फिर वही दिल लाया हूँ आया दोस्तों। इस मूवी में जॉय मुखर्जी, आशा पारेख, प्राण थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रहा। इसी साल आशा पारेख की एक और मूवी मेरी सूरत तेरी आंखें आया दोस्तों। इस मूवी में अशोक कुमार, आशा पारेख, प्रदीप कुमार थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रहा। साल 1963 में आशा पारेख की एक और मूवी बिन बादल बरसात आया दोस्तों। आहा, क्या फिल्म था दोस्तों, सुन के मजा आ गया। तो सोचो इस फिल्म को देखने में कितना मजा आएगा। इस फिल्म का किस किस ने देखा है यह हमें कमेंट में बताएं दोस्तों। और तो और बिन बादल बरसात करके एक फेमस मुहावरा भी है और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने यूज भी किया होगा। तो देखते हैं कि इस मुहावरे का असली मीनिंग कौन कौन जानते हैं। तो जल्दी से दिमाग लगाओ दोस्तों और बताओ सबसे पहले कौन बता पाता है जवाब में, यह हमें आप लोगों का वेट रहेगा। इस मूवी में आशा पारेख के साथ पद्मा चौहान, मोनी चटर्जी, विश्वजीत थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रहा। साल 1963 में आशा पारेख की एक और मूवी भरोसा है दोस्तों। इस मूवी में गुरुदत्त, आशा पारेख थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रहा। साल 1964 में आशा पारेख की एक मूवी जिद्दी आया दोस्तों। इस मूवी में जॉय मुखर्जी, आशा पारेख, महमूद अली थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रहा। साल 1965 में आशा पारेख की एक मूवी मेरे सनम आया दोस्तों। इस मूवी में विश्वजीत, आशा पारेख, मुमताज, प्राण थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रहा। साल 1966 में आशा पारेख की एक मूवी तीसरी मंजिल आया दोस्तों। इस मूवी में शमी कपूर, आशा पारेख थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रहा। 1966 में आशा पारेख की एक और मूवी लव इन टोक्यो आया दोस्तों। इस मूवी में जॉय मुखर्जी, आशा पारेख, महमूद, प्राण थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रहा। वैसे किन किन को फिल्मी दुनिया से बेहद मोहब्बत है दोस्तों और आशा पारेख से भी, यह हमें कमेंट में बताएं। साल 1966 में आशा पारेख की एक और मूवी दो बदन आया दोस्तों। इस मूवी में मनोज कुमार, आशा पारेख थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रहा। साल 1966 में आशा पारेख की एक और मूवी आए दिन बाहर के आया दोस्तों। इस मूवी में धर्मेंद्र, बलराज, सहनी, आशा पारेख थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रहा। साल 1967 में आशा पारेख की एक मूवी उपकार आया दोस्तों। इस मूवी में आशा पारेख, मनोज कुमार, प्रेम चोपड़ा, प्राण थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रहा। साल 1967 में आशा पारेख की एक और मूवी बाहरों के सपने आया दोस्तों। तो देख लो भाई, हमने इससे पहले वीडियो अपलोड किया था परसों राजेश खन्ना जी का, उसमें भी आशा पारेख थी। तो जाकर एक बार उसे भी चेकआउट कर लें प्लीज। राजेश खन्ना, आशा पारेख, प्रेमनाथ थे इस मूवी में और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहा। साल 1968 में आशा पारेख की एक और मूवी शिकार आया दोस्तों। इस मूवी में धर्मेंद्र, आशा पारेख, संजीव कुमार थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रहा। साल 1968 में आशा पारेख की एक और मूवी कहीं और चला है दोस्तों। इस मूवी में देव आनंद, आशा पारेख थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहा।
इसी साल आशा पारेख की एक और मूवी कन्यादान आया दोस्तों। इस मूवी में शशि कपूर, आशा पारेख, ओम प्रकाश थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रहा। साल 1979 में आशा पारेख की एक और मूवी साजन आया दोस्तों। क्या फिल्म थी दोस्तों यार, बल्कि हम यह कहते हैं कि आप भी यह फिल्म जरूर देखें। इस मूवी में मनोज कुमार, आशा पारेख, ओम प्रकाश, मदन पुरी थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रहा। साल 1979 में आशा पारेख की एक और मूवी प्यार का मौसम आया दोस्तों। इस मूवी में शशि कपूर, आशा पारेख, निरूपा रॉय, भारत भूषण थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहा। साल 1979 में आशा पारेख की एक और मूवी महल आया दोस्तों। इस मूवी में देव आनंद, आशा पारेख, फरीदा जलाल थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रहा। इसी साल आशा पारेख की एक और मूवी चिराग आया दोस्तों। इस मूवी में सुनील दत्त, आशा पारेख थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर अबव एवरेज रहा। साल 1979 में आशा पारेख की एक और मूवी आया सावन, झूम के आया दोस्तों। इस मूवी में धर्मेंद्र, आशा पारेख थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रहा। साल 1970 में आशा पारेख की एक और मूवी पगला कहीं का आया दोस्तों और इस मूवी में शमी कपूर, आशा पारेख थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहा। साल 1970 में आशा पारेख की एक और मूवी नया रास्ता आया दोस्तों। इस मूवी में जितेंद्र, आशा पारेख थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहा। साल 1970 में आशा पारेख की एक और मूवी भाई भाई आया दोस्तों। इस मूवी में सुनील दत्त, आशा पारेख, मुमताज महमूद थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर अबव एवरेज रहा दोस्तों। साल 1970 में आशा पारेख की एक और मूवी कटी पतंग आया दोस्तों। इस मूवी में आशा पारेख, राजेश खन्ना, प्रेम चोपड़ा, बिंदु थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रहा। वैसे किसको किसको राजेश खन्ना और आशा पारेख की जोड़ी सबसे अच्छा लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं। साल 1970 में आशा पारेख की एक और मूवी आन मिलो सजना आया दोस्तों। इस मूवी में राजेश खन्ना, आशा पारेख, विनोद खन्ना, निरूपा रॉय थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रहा। साल 1971 में आशा पारेख की एक मूवी मेरे गांव मेरे देश आया दोस्तों। इस मूवी में धर्मेंद्र, आशा पारेख, विनोद खन्ना थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रहा। साल 1971 में आशा पारेख की एक और मूवी ज्वाला आया दोस्तों। इस मूवी में सुनील दत्त, मधुबाला, आशा पारेख थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहा। इसी साल आशा पारेख की एक और मूवी जवान मोहब्बत आया दोस्तों। इस मूवी में शमी कपूर, आशा पारेख थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहा। इसी साल आशा पारेख की एक और मूवी नादान आया दोस्तों। इस मूवी में नवीन निश्चल, आशा पारेख, मदन पुरी थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रहा। साल 1971 में आशा पारेख की एक और मूवी कारावान आया दोस्तों। इस मूवी में जितेंद्र, आशा पारेख थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रहा। इसी साल आशा पारेख की एक और मूवी मेरे अपने आए दोस्तों। इस मूवी में विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, मीना कुमारी, आशा पारेख थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रहा। वैसे क्या आप बता सकते हैं कि इस फिल्म के कलाकारों के बेटा बेटी अभी कौन कौन है? अगर हाँ तो कमेंट में बताएं। साल 1972 में आशा पारेख की एक और मूवी समाधि आया दोस्तों। इस मूवी में धर्मेंद्र, आशा पारेख, जया भादुड़ी थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रहा। साल 1972 में आशा पारेख की एक और मूवी राखी और हथकड़ी आया दोस्तों। इस मूवी में अशोक कुमार, आशा पारेख, विजय अरोड़ा, डैनी, कबीर बेदी थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रहा। वैसे आशा पारेख थी ना कमाल की, इनकी खूबसूरती तो बेमिसाल थी। साल 1973 में आशा पारेख की एक मूवी आई हीरा। इस मूवी में सुनील दत्त, आशा पारेख, शत्रुघ्न सिन्हा, फरीदा जलाल थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रहा दोस्तों। साल 1974 में आशा पारेख की एक मूवी अनजान रहा है दोस्तों। इस मूवी में किरण कुमार, मुराद, फिरोज खान, आशा पारेख थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गया। साल 1975 में आशा पारेख की एक मूवी जख्मी आया दोस्तों। इस मूवी में सुनील दत्त, आशा पारेख, राकेश रोशन, रीना रॉय थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गया दोस्तों। साल 1975 में आशा पारेख की एक और मूवी रानी और लाल परी आया दोस्तों। इस मूवी में रीना रॉय, राजेंद्र कुमार, जितेंद्र, फिरोज खान, नीतू सिंह और आशा पारेख थे दोस्तों और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहा। वैसे मैंने यह फिल्म देखा है दोस्तों और मुझे बहुत पसंद आया, पर क्या आपने भी देखा है तो कमेंट में बताएं। साल 1976 में आशा पारेख की एक और मूवी उधार का सिंदूर आया दोस्तों। इस मूवी में जितेंद्र, रीना रॉय, आशा पारेख थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रहा। साल 1977 में आशा पारेख की एक मूवी कुलवधू आया दोस्तों। इस मूवी में रीता भादुड़ी, किरण कुमार, नवीन निश्चल, आशा पारेख थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहा। साल 1977 में आशा पारेख की एक और मूवी आधे दिन आधी रात आया दोस्तों। इस मूवी में विनोद खन्ना, शबाना आजमी, आशा पारेख थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहा। साल 1978 में आशा पारेख की एक मूवी मैं तुलसी तेरे आंगन के आया दोस्तों। इस मूवी में नूतन, विनोद खन्ना, आशा पारेख, त्रिलोक कपूर थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रहा। वैसे अगर कहा जाए तो आशा पारेख ने विनोद खन्ना के साथ भी बहुत सारे फिल्मों में काम किया है दोस्तों, अमेजिंग। साल 1978 में आशा पारेख की एक और मूवी अनपढ़ आया दोस्तों। इस मूवी में अशोक कुमार, सारिका, जरीना वाहब, आशा पारेख थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रहा दोस्तों।
वैसे दोस्तों यह फिल्म हिट होना ही था और यह एक जबरदस्त मूवी रहा होगा क्योंकि कोई भी अनपढ़ अपने कर्म से होता है। साल 1979 में आशा पारेख की एक और मूवी प्रेम विवाह आया दोस्तों। इस मूवी में मिथुन चक्रवर्ती, बिंदिया गोस्वामी, आशा पारेख थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रहा। मिथुन चक्रवर्ती एवरीवन फेवरेट एक्टर। साल 1979 में आशा पारेख की एक और मूवी बिन फेरे हम तेरे आया दोस्तों। इस मूवी में आशा पारेख, विनोद मेहरा, राजेंद्र कुमार, सारिका थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहा। साल 1980 में आशा पारेख की एक और मूवी 100 दिन सास के आया दोस्तों। इस मूवी में नीलू फुले, अशोक कुमार, राज बब्बर, रीना रॉय, आशा पारेख थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सेमी रहा। साल 1980 में आशा पारेख की एक और मूवी बदला और बलिदान आया दोस्तों। इस मूवी में राजेंद्र कुमार, आशा पारेख, विनोद मेहरा, मौसमी चटर्जी थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहा। साल 1980 में आशा पारेख की एक और मूवी गुनहगार आया दोस्तों। इस मूवी में ऋषि कपूर, परवीन बाबी, राजेंद्र कुमार, आशा पारेख थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहा। साल 1981 में आशा पारेख की एक मूवी आई खेल मुकद्दर का दोस्तों। इस मूवी में भारत भूषण, आशा पारेख, दारा सिंह, अरुणा ईरानी थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहा दोस्तों। साल 1981 में आशा पारेख की एक और मूवी आखिरी मुजरा है दोस्तों। इस मूवी में आशा पारेख, जरी नवाहब, अजीत थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहा। साल 1981 में आशा पारेख की एक और मूवी बुलंदी है दोस्तों। इस मूवी में राजकुमार, आशा पारेख, डैनी थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रहा। साल 1981 में आशा पारेख की एक और मूवी कालिया है दोस्तों। इस मूवी में अमिताभ बच्चन, परवीन बाबी, आशा पारेख, कादर खान, अमजद खान, प्राण थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रहा। साल 1984 में आशा पारेख की एक और मूवी पाखंडे आया दोस्तों। इस मूवी में संजीव कुमार, शशि कपूर, जीना तमन, आशा पारेख थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रहा। साल 1984 में आशा पारेख की एक और मूवी धर्म और कानून आया दोस्तों। इस मूवी में धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, जयपर्दा, आशा पारेख, विनोद मेहरा, डैनी थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रहा। साल 1984 में आशा पारेख की एक और मूवी मंजिल मंजिल आए दोस्तों। इस मूवी में सनी देओल, आशा पारेख, डिंपल कपाड़िया थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहा। साल 1985 में आशा पारेख की एक मूवी लावा आए दोस्तों। इस मूवी में डिंपल कपाड़िया, राज बब्बर, आशा पारेख थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहा। साल 1985 में आशा पारेख की एक और मूवी चार महारथी आए दोस्तों। इस मूवी में मिथुन चक्रवर्ती, टीना मुनीम, आशा पारेख, अमजद खान थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहा। साल 1986 में आशा पारेख की एक मूवी किस्मत वाला है दोस्तों। इस मूवी में मिथुन चक्रवर्ती, रंजीता, आशा पारेख थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहा। साल 1986 में आशा पारेख की एक और मूवी प्रीति आए दोस्तों। इस मूवी में राजीव कपूर, विनोद मेहरा, आशा पारेख थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रहा। वैसे अगर आप लोगों में से कोई आशा पारेख के हस्बैंड के और उनके बाल बच्चों का नाम जानते होंगे तो आप कमेंट में बता सकते हैं। साल 1988 में आशा पारेख की एक मूवी सागर संगम आया दोस्तों। इस मूवी में राखी, शत्रुघ्न सिन्हा, अनीता राज, मिथुन चक्रवर्ती, नाना पाटेकर, आशा पारेख, पद्मिनी कोल्हापुरे थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रहा। साल 1988 में आशा पारेख की एक और मूवी मैं तेरे लिए आया दोस्तों। इस मूवी में राजेंद्र कुमार, आशा पारेख, सुनील आनंद, मीनाक्षी से शादी थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहा। साल 1988 में आशा पारेख की एक और मूवी हमारा खानदान आया दोस्तों। इस मूवी में ऋषि कपूर, फरहा, आलोक नाथ, अमरीश पुरी, आशा पारेख थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर बिलो एवरेज रहा दोस्तों। साल 1988 में आशा पारेख की एक और मूवी हम तो चले परदेश आया दोस्तों। इस मूवी में राजीव कपूर, शशि कपूर, मंदाकिनी, आशा पारेख थे और यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर बिलो एवरेज रहा दोस्तों। भगवान आप लोगों को हमेशा खुश रखे। साल 1989 में आशा पारेख की एक और मूवी हथियार आया दोस्तों। इस मूवी में धर्मेंद्र, संजय दत्त, ऋषि कपूर, आशा पारेख, अमृता सिंह थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रहा। साल 1989 में आशा पारेख की एक और मूवी बंटवारा है दोस्तों। इस मूवी में धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, डिंपल कपाड़िया, अमृता सिंह, पूनम ढिल्लन, शमी कपूर, आशा पारेख थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर बिलो एवरेज रहा। साल 1991 में आशा पारेख की एक मूवी इंसाफ का खून आया दोस्तों। इस मूवी में राजेंद्र कुमार, आशा पारेख थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहा। इसी साल आशा पारेख की एक और मूवी कार थीफ आया दोस्तों। इस मूवी में सुनील आनंद, विजयता पंडित, परिषित साहनी, आशा पारेख थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रहा। साल 1991 में आशा पारेख की एक और मूवी रहीस ज्यादा आया दोस्तों। इस मूवी में गोविंदा, सोनम, आशा पारेख, शशि कपूर थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रहा। साल 1993 में आशा पारेख की एक मूवी भाग्यवान आया दोस्तों। इस मूवी में गोविंदा, जूही चावला, आशा पारेख थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहा। साल 1993 में आशा पारेख की एक और मूवी प्रोफेसर की पड़ोसन आया दोस्तों। इस मूवी में संजीव कुमार, आशा पारेख, पद्मिनी कोल्हापुरे थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर बिलो एवरेज रहा। साल 1994 में आशा पारेख की एक मूवी घर की इज्जत आया दोस्तों। इस मूवी में जितेंद्र, ऋषि कपूर, कादर खान, आशा पारेख, जूही चावला, अनीता राज थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रहा। साल 1995 में आशा पारेख की एक मूवी आंदोलन आया दोस्तों। इस मूवी में संजय दत्त,
गोविंदा, ममता कुलकर्णी, आशा पारेख थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रहा। साल 1996 में आशा पारेख की एक और मूवी मुट्ठी भर जमीन आया दोस्तों, और इस मूवी में कुमार गौरव, पूनम ढिल्लों, डैनी, आशा पारेख थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रहा। वैसे यह मूवी कोई किस किस ने देखा है मुझे कमेंट में बताएं दोस्तों। साल 1999 में आशा पारेख की एक और मूवी सर आंखों पर आया दोस्तों, इस मूवी में शाहरुख खान, शमी कपूर, आयशा झुलका, आशा पारेख थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रहा। और आशा पारेख की फिल्मी जगत में यहीं तक का सफर रहा तो दोस्तों मजा आया ना। तो बताइए कि आशा पारेख आपको कैसे लगती है, आप लोगों में से किसने आशा पारेख की मूवी देखी है और कौन कौन इनके फेवरेट है कमेंट बताएं। तो दोस्तों अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक ठोक देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक